सुनवाई तो हुई नहीं, उल्टे मिले धक्के। मामला ग्राम पंचायत मुहारी खुर्द की ग्राम अमरपुर लल्लन की आदिवासी महिलाओं का। आधा सैकड़ा महिला एवं पुरुष आए थे अपनी शिकायत लेकर जनपद पंचायत नहीं आना। जनपद पंचायत के कार्यालय के आगे बैठे रहे भरी दोपहर में लगभग 3 घंटे। शिकायत करने आई महिलाओं की सुनवाई करने की जगह महिलाओं को धक्के देकर बाहर निकाला। सीईओ खरोले महिलाओं को इकट्ठा देख कार्यालय से उठकर हो गए रफू चक्कर। महिलाएं करती रही घंटों इंतजार। यह मामला है खनिया थाना तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम अमरपुर लल्लन का, जहां से करीब आधा सैकड़ा महिलाएं व पुरुष अपनी शिकायतें लेकर जनपद पंचायत खनिया थाना पहुंचे, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हुई। जनपद कार्यालय खनिया थाना में उपस्थित कार्यालय के अधिकारियों ने उनकी शिकायत सुनने की बजाय उन महिलाओं को धक्के देकर कार्यालय से बाहर कर दिया और कार्यालय के मुख्य गेट पर ताला लगा दिया। सभी महिलाएं व पुरुष जनपद कार्यालय के बाहर ही धरना देकर बैठ गए और आला अधिकारियों को बुलाने की जिद पर अड़ गए। आदिवासी महिलाओं की शिकायत थी कि उन्हें अभी तक शासन द्वारा चलाई जा रही कोई भी योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। ना तो उनके खातों में सब्जी के पैसे आते हैं और ना ही प्रधानमंत्री द्वारा चलाई गई अन्य योजनाएं उन्हें मिल पाई हैं। चाहे वह शौचालय हो या कुटीर, उन्हें किसी भी योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। और महिलाएं सरपंच एवं सचिव के खिलाफ आवेदन देने के लिए जनपद कार्यालय आई हुई थी, जहां उन्हें सुनवाई की बजाय बेइज्जत किया गया और धक्के देकर भगा दिया गया। देखिए खनिया थाना से फास्ट समाचार के लिए चंद्रशेखर पुरोहित की रिपोर्ट। हम अभी आए हैं खनिया थाना जनपद कार्यालय। यहाँ पर करीब आधा सैकड़ा महिलाएं अपनी शिकायत लेकर जनपद कार्यालय पर आई हुई हैं अमरपुर लल्लन से। करीब 1-2 घंटे से यहाँ पर बैठी हुई हैं इस तपती धूप में, भूखी प्यासी अपनी समस्याओं को लेकर यहाँ पर आई हुई हैं, लेकिन यहाँ पर उनकी समस्याओं को सुनने वाला कोई नहीं, उनका आवेदन लेने वाला कोई नहीं। चलिए एक बार हम उनसे पूछते हैं कि आखिर क्या समस्या है उनकी और क्यों उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, इस बारे में जानते हैं उन महिलाओं से। राम देवी। कहाँ से आई हैं? अमरपुर ललन। यहाँ पर क्यों आई हैं? क्या प्रॉब्लम है? जो प्रॉब्लम है सर कि ना हम एक कुटिंग आए और लेटरिन गड्ढा बने, लेटरिन में बन गई सो गड्ढा नहीं बने, और ना हमें राशन कार्ड है, कुछ नहीं है हमें, सब्जी के पैसा नहीं आ रहा हमें, हमें नाव कट गए, बिल्कुल नाव कटवा दे सरपंच की ट्री में। ये जितनी भी आप साथ में आई, सभी महिलाओं के साथ में यही प्रॉब्लम है? जो ही प्रॉब्लम है, सभी का एक ही तरह से है, किसी को कोई राशि नहीं मिल रही सरकार की तरफ से, नहीं मिल रहा। आपने ये शिकायतें और जगह की है? कहीं नहीं, कहीं हम शिवपुरी गए थे। आप शिवपुरी गई थी? फिर शिवपुरी गए से मिले नहीं यहाँ कलेक्टर साहब। कलेक्टर साहब नहीं मिले? यहाँ पे जो अधिकारी हैं उनसे मुलाकात हुई आपकी? हाँ हुई साहब। तो हमारे एक बूढ़े से याद झटका पटकी कर रहे थे वे। अच्छा, आपके साथ यहाँ पे जेठ की झटका पटकी कर रहे थे, वो कह रहे थे चलो भगो ये ना से, चलो भगो तुम्हें कोई सुनाई नहीं होती, बोलवा के ले आओ, तुम्हें कौन सा पैसा दे रहा तुम्हें। यहाँ से जुमा झटकी किसने की आपके साथ में, आप बता सकते हैं? नाम बता सकते? नाम नहीं बता सकते, सीओ साहब। आप देख रहे हैं कार्यालय पे, जनपद कार्यालय पे महिलाएं बैठी हुई हैं इतनी कड़ी धूप में, करीब 2 या 3 घंटे से अपनी शिकायतें लेकर आए यहाँ पे आई हुई हैं। उनके साथ में उनकी सुनवाई तो नहीं हुई, जबकि उनके साथ झूमा झटकी की गई है कार्यालय में, और कोई भी अधिकारी आला अधिकारी यहाँ पर उपस्थित नहीं है। आप देख पाएंगे कि यहाँ पे कार्यालय पर ताला डाला हुआ है, जिससे कि महिलाएं अपनी शिकायत लेकर अंदर ना जा पाएं, और महिलाएं परेशान हैं। शिवपुरी भी जा चुकी हैं, उसके बाद भी इसकी सुनवाई नहीं है। आगे देखते हैं ये सब महिलाओं की सुनवाई कौन करता है और क्या इस पर कार्रवाई होगी, इसके लिए इंतजार करते हैं और मिलते हैं थोड़ी देर बाद। शिकायत करने आए थे, कुछ नहीं है, 5 साल से कोई काम नहीं हुआ। क्या कहना है अधिकारियों का जिसके पास शिकायत करने आए थे? शिकायत ही नहीं सुनी, मैंने ले गया ही नहीं है शिकायत। क्या 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 दिया? यहाँ से हटो, हमसे कह रहे थे कि हमने तुम डंडा उठाओ, डंडा से मार दिया। कौन कह रहा था? सीओ साहब। अच्छा, अब सीओ साहब कहाँ है अभी? अभी सीओ साहब यहाँ है ही नहीं, भग गए। अब क्या करोगे आप अगर नहीं सुना तो? क्या करेंगे और अब क्या है उपाय, कौन है ही नहीं, नहीं नहीं रहे, शिकायत ही नहीं रहे। तो निराश होगी, घर चले जाओगे? तो क्या हुआ, आवेदन नहीं लिया आपके? हमारे आवेदन नहीं लाए। क्यों? काम वाली। क्या क्या दिया उन्होंने? जो कह रही कि हटो है ना से, कोई आवेदन नहीं ले रहे हम। तो सारे लोगों को कुटी की परेशानी है? कुटी की परेशानी, सब कुछ की परेशानी है हमें तो।
ना कुटिंग है, ना लेटरिन गड्ढा है, ना राशन कार्ड है, और सब्जी के पैसा भी नहीं आ रहा है। पूरे ना पाड़ता 50 ना पाड़ता है 50 लोगों ने। क्या कहना है अधिकारियों का, क्या कहना है? जैसे आप आवेदन देने आई थी तो आवेदन दे भी आए, जो कह रहा है कि नहीं ले रहा है समय से बात।